जी के भाई ने भेजा है ना, इसलिए मम्मी जी घूम घूम के देख रही है कर रही है इतना। तो गाइस मम्मी आ गई है। हेलो गाइस बोलो, वहाँ बोलो हेलो गाइस आई एम बैक। तो मम्मी आ गई है और मम्मी आती हम लोगों को मामा जी ने भेजा था रसमलाई, तो वो खा रहे हम लोग बम्पर। पापा तुम आके दे नहीं रसमलाई। सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। मैं सोच रही थी कि क्या ब्लॉग बनाऊंगी, क्या कहाँ से शुरू करूंगी, पर होता है ना कि डेली ब्लॉगर की लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है और शूट हो ही जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग ऐसे ही शुरू हुआ है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, देखते रहिए। वेलकम एंड नमस्ते लिस्टिंग के लिए संजीता चैनल का और एक नए ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। आई होप आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी कितना टाइम हो रहा है आप लोगों को पता है, 3:15। तो अभी हम सब लोग चावल खाने बैठे थे और कल जो भैया आए थे ना, इन्होंने ये गट्टे की सब्जी दी थी। तो ये आए हैं अभी ऑफिस से, तो इनका मन है कि ये गट्टे की सब्जी के साथ रोटी खाए। तो आटा गूंदा हुआ अभी नहीं था, दूसरे दिन तो रहता है। तो अभी मैंने फटाफट से आटा गूँ दिया, अभी मैं बना रही हूँ रोटी, इनके लिए चावल खाएंगे कि नहीं वो पता नहीं। सो एक रोटी लेके गए हैं और एक रोटी ऑफिस में डाल दी। कौन है भाई रोटी? हाँ? कितने खाओगे? हम सब खाने बैठे ही थे, मैंने प्लेट्स वगैरह लगाई थी, तभी कॉलिंग बेल बजा और ये आए। तो मम्मी भी नहीं बैठी, मैं भी बाद में बैठूंगी। तो फिलहाल अभी बच्चे और देवरानी खा रही है। और एक ले लो, बिरयानी नहीं खाओगे? तो गाइस मम्मी आ गई है। हेलो गाइस बोलो, वहाँ बोलो हेलो गाइस आई एम बैक। मारे ना शिकाय लगो ये राम रियो एक टुको खाइस ना मां बात केनो खाउनी तुम्ही दारा। देखिए बज रहे 3:25। चावल भी बनाया है मेरे से, रोटी भी बनवा रहे हो आज, लेके 3 बार अभी फिर से निकला है रोटी का बेल नहीं पीली। लोगों क्या हुआ है, माँ को माँ आने की खुशी है या कुछ और है पता नहीं, 3 बार में रोटी बनाया है। और मामा जी ने कल आते टाइम मम्मी के साथ हम लोग के लिए मिठाई भेजा था और बिरयानी भी दिया था। तो अभी सब लोग थोड़ा थोड़ा बिरयानी भी चख रहे हैं, तो अभी ये बिरयानी अभी इनके लिए भी थोड़ा सा देंगे। दादा को टूट चुका चलिए गाइस अभी यो को सुला देते हैं, 4 बजने में अभी बस 15 मिनट बाकी है। एक लड़की को प्रीत का फोटो चाहिए था तो इसलिए फोटो उठा रहे थे, अभी किस लिए मांग रहे थे वो भी पता नहीं। रियो रियो बाबा तो ना यार उल्टू बड़ा कौन है, उल्टू बड़ा तो कौन उठ जाओ 7 बजने वाले है, उठ जाओ बाबा। अरे ना बाबा उमई उतो उतो जे मामा देखो, मामा देखो हे दोस्तों। तो अभी मैं किचन में बना रही हूँ, इनके लिए ब्लैक टी बन गया है और देवरानी ने से पहले दूध वाली चाय बना के रखे, तो सबका चाय पीना हो गया है। मैं एडिटिंग कर रही थी तो इसलिए चाय नहीं पी पाई। और अभी मैं बना रही हूँ मैगी, थोड़ा सा कम मसाले वाला रियो के लिए, क्योंकि रियो समोसा नहीं खाएगा और भाई आते टाइम लेके आया था समोसे,
इनको देते हैं पहले, फिर योगा मेगी, उसके बाद में मैं पीऊंगी चाय। तो चलिए इनको दे के आते हैं। चाय तो इनको बेम्बू और लहसुन की चटनी चाहिए थी तो समोसे के साथ खाने के लिए, वो मैं लेके गई थी इनके लिए। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता, पर ये पूरा बोतल इन्होंने फिनिश किया है, इनको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं भी चाय पी लेती हूँ। रियो का मैगी ऑलमोस्ट दौड़ ना, रियो ना हो मैगी देवो ना, किंतु बदमाशी ना, चलिए तुम्हारा मैगी आए गए मैगी लगाओ बेटे लगाओ। चलिए चाय को गर्म समोसा खा लेते हैं। तो ये मामा जी ने भेजा था रसमलाई, थैंक यू मामा, इतना अच्छा रसमलाई भेजने के लिए, इतना ज़्यादा टेस्टी था। अभी इनके लिए मम्मी निकाल रही है और एक समोसा मेरे लिए बचा था, ये समोसा और रही रही मेरी चाय और ये मेरे हस्बैंड का प्लेट है, ठीक है। तो मैं ऐसे खाती हूँ, मुझे इशू नहीं है कुछ। चाय पी लेते, उसके बाद में शुरू दुकान जाना। तो चाय पी के उसके बाद में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, दुकान को चार्ट पेपर भी चाहिए अभी। मम्मी आज क्या बनेगा? ओ आज तो पनीर बनेगा। वो देखिए भाई लेके आया था पनीर, ये पनीर की ग्रेवी हो रही है क्या? और दोपहर का तो ये सब बना हुआ है, दाल, फिर सोयाबीन की सब्जी, आलू बॉईल किया हुआ है सुबह का, यहाँ पे आलू फ्राई किया था दोपहर का, और अभी बनेगा पनीर। बटर को फिर मुझे गट्टे की सब्जी, गट्टे की सब्जी पनीर इतना अच्छा नहीं है, पैकेट वाला पनीर मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, मिठाई की दुकान पे जो मिलता है वो अच्छा होता है, पर ये वाला इतना अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो चलिए मम्मी को खाना बनाने देते हैं। और यहाँ पे प्रीत बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट L3 13 বসো দেখো ও এটা এখানে রেখেছো হ্যাঁ দেখে ফেলেছি হ্যাঁ মেরে বালি চাপা দিয়ে দেবো योगो खिला के उसको पापा के पास छोड़ के आए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ ऑमलेट, ये देखिए, और प्रीत भी वहाँ खा रहा है। भाई का हो गया है, अभी ये बाकी है, ये देख रहे हैं क्या मैच क्रिकेट। माँ सनी सनी दाल तो रह ही जाएगा, इतना सारा दाल कोई नहीं खाता, फिर भी रोज बनते हैं दाल दाल। सोचे होंगे कि पनीर भी बनाए, दाल भी बनाए, आलू फ्राई भी बनाए, तो ऑमलेट की क्या जरूरत थी। तो ऑमलेट मम्मी का फेवरेट है,
तो अगर मेरे कुछ रिलेटिव्स देख रहे हो जिनको कभी मन है मम्मी को खिलाने का, तो आप लोग याद रखना मम्मी को मछली चिकन नहीं चाहिए, बस एक ऑमलेट बना के दे दो प्याज ज़्यादा देखा सद ले बहनी उसे उसे मम्मी को बहुत जल्दी है उनकी बहू को खिलाने की। अंदर में अच्छे से पका भी नहीं, मम्मी बोल रही दे दो चावल ज्यादा हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं खा के आती हूँ, तब तक मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। उल्लू सारी रात जागते और दिन में सोते हैं। बड़ा उल्लू, बाप उल्लू, बेटा भी उल्लू, दो उल्लू एक साथ, छोटा उल्लू। मैं পৰহি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কালি যে আহিব মই গমেই পোৱা নাই, অৰ্ডাৰ ট্ৰেক কৰা নাই, নহ'লে গম পোৱা যায় ন কেতিয়া আহিব। আৰু মোৰ হাজবেণ্ড ঘৰত আছিলে, সি একো গম নাপায় মোক কি অৰ্ডাৰ দিছে কি না, চেঞ্জ নাই যে। तो गाइस सुबह सुबह एक पार्सल आया है, और पार्सल में क्या आया है वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वाला ब्लॉग में, क्योंकि इसको खोलना पड़ेगा। और ये पार्सल कल ही आ गया था, पर मैंने किसी वजह से इसको रिशेड्यूल करवाया था, तो आज हम सुबह सुबह देखे गए हैं। तो ये पार्सल जो है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में खोलूँगी, जो मैंने सुबह को स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि इस पार्सल में क्या है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ तक रखती हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, और फिर से अभी नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि सब्ज़ी वाले भैया आए हैं। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं अपना रखूँगी, और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते जाइएगा। लव यू ऑल एंड टेक केयर।